हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो थोड़ी लेट आई है, बट मैं आज आपको कॉम्पैक्ट पाउडर बताने वाली हूँ बिगनर मेकअप के। तो नंबर 4 पे बिगनर मेकअप में मैं कॉम्पैक्ट पाउडर रखूँगी बेला वाइस्ट का, क्योंकि इसका शेड आप कितना भी डार्क या कितना भी लाइट मंगा लो, शेड एक ही आता है। और इसको मुझे 1 ईयर हो गया, आप देख सकते हो कि इसका कलर, बट की इसकी जो वैलिडिटी है वो, मतलब जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो 2023 तक है, बट इसका कलर चेंज हो गया है और इसमें ना दाग से धब्बे धब्बे से हो गए हैं, और इसका पाउच भी, जो इसका स्पंज होता है वो भी काला पड़ गया है, इसलिए मैं इसको नंबर 4 पे रखना चाहूँगी। नंबर 3 पे मैं रखना चाहूँगी ये है फेसिस कैनेडा का। इसकी पिगमेंटेशन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं इसे नंबर 4 पे रखना चाहूँगी, बट वैसे अगर आप लगाओ तो काफ़ी अच्छी आपको ग्लो दे देता है, काफ़ी अच्छा आपको, इसका स्पंज भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और मुझे ये बहुत इसलिए अच्छा लगा कि ये अफोर्डेबल है बिगनर मेकअप के हिसाब से, सिर्फ 163 का है और इतने सस्ते में, और क्या लेंगे, इतना बढ़िया है ये। और नेक्स्ट मैं नंबर 2 पे रखना चाहूँगी ये हमारा है स्टे क्वैकरी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा, आप देख सकते हो कितना अच्छा है। इसका कलर शेड बहुत सारे आते हैं, इसमें डार्क से डार्क, लाइट से लाइट कलर शेड आपको मिल जाएंगे, और इसका स्पंज भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और अच्छा है, और काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन है, इसलिए इसको मैं नंबर 2 पे रखना चाहूँगी। और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, इसका प्राइस है 123 रुपीज़, और अगर आप मेरा रिफ़ॉल कोड यूज़ करेंगे तो और डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये है पर्पल का, तो ये पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें शेड बहुत मिनिमम है, बट क्वालिटी वाइज पिगमेंटेशन इसकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। अफोर्डेबल इतना नहीं है, 300 से 200 से 300 तक का इसका प्राइस हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलग हर शेड पे अलग प्राइस होता है। तो मेरा जो शेड पड़ा था वो मुझे 290 का पड़ा था, और ये बहुत अच्छा है, और इसका जो शेड है वो भी मेरे कलर का ही मिल गया था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।